खुश करने वाली मसाज लीजिए, वो भी केतकी भाभी से। वाह साधना और कालिंदी, तुम लोग केतकी को बदनाम करने के लिए इस हद तक चली जाओगी कि हमने भी पिछले कई महीने से इसके बारे में थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं लगाया था। भले आज वरदान अपने दम पर खेल कर आज केतकी का जान क्यों ना बचा लिए है, लेकिन साधना और कालिंदी का चाल अभी भी जारी रहेगा केतकी के बदनाम करने के लिए। हालांकि जब वरदान आज अपनी माँ के सामने आए थे तो वो कहने लगे थे कि माँ आप एक बार सोच कर तो देखिए कि जो खाने में जहर था तो वो जहर केतकी खुद क्यों खा लेती। मगर साधना यहाँ पर कहाँ समझने वाली है और कहने लगी थी कि क्योंकि वो चाहती है कि अगर वो अपने सारे घर वाले के सामने जहर खा लिया तो तुम उसे हर हाल में बचा लोगे। हालांकि यहाँ पर साधना और कालिंदी ने मिलकर उस खिचड़ी में छिपकली को डालकर यहाँ से पूरी तरह से बच निकली है। लेकिन वहीं अब आगे आने वाला ट्रैक में कालिंदी एक और नए प्लान के तहत उसे बदनाम करने की कोशिश कर चुकी है, जिसमें कालिंदी ने केतकी के खिलाफ कुछ घटिया शब्द लिखकर और उसका कॉन्टैक्ट डिटेल्स एक पोस्टर के जरिए बाहर भेज देती है। और वहीं जब वो कॉन्टैक्ट डिटेल्स और वो शब्द जब कुछ लोगों के हाथ लगता है तो वो लोग केतकी के घर पर बार बार फोन करते हैं और फोन पर घटिया शब्द का यूज कर रहे हैं, जिससे केतकी उन सब चीजों से बहुत ही ज्यादा तंग हो गई है। लेकिन ऐसे लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए।